हेलो एवरीवन, ये आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच का एक दूसरा वीडियो है जो कि है वेलवेट में। तो इस बार वेलवेट में मैंने कलर ब्लॉकिंग की है जिसमें डार्क कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया है क्योंकि ये पिंटरेस्ट पे बहुत अच्छा लग रहा था। तो सबसे पहले मैंने फैब क्यूडेट से वेलवेट फैब्रिक ऑर्डर किया जो कि था डार्क पिंक और नेवी ब्लू में। फैब क्यूडेट की फैब्रिक मुझे अक्सर पसंद आती है, मार्केट से ज़्यादा रिजनेबल प्राइस पे और अच्छी क्वालिटी का ये मुझे रिसीव होता है। इससे पहले भी मैंने फैब क्यूडेट से ऑर्डर किया था और ये इतनी अच्छी पैकेजिंग के साथ रिसीव होता है जूट के बैग में। और ये रहा डार्क पिंक कलर जो कि वीडियो में रेड दिख रहा है लेकिन वो फूसिया पिंक, रानी पिंक कुछ भी कह सकते हैं। और ये है नेवी ब्लू फैब्रिक जो कि मैंने दुपट्टा के लिए ऑर्डर किया था। ये दोनों मुझे 350 रुपये मीटर लगभग में मिला है और 250 मीटर मैंने दुपट्टा और टॉप के लिए ऑर्डर किया था। 250 मीटर दुपट्टा के लिए इनफ होगा और 250 मीटर में कुर्ती भी अच्छे से आ जाएगी क्योंकि मुझे इसकी स्लीव्स फुल अम्ब्रेला कट में रखनी थी। और बॉटम के लिए मैंने सोर्स इट राइट से सैटन ब्रोकेट ऑर्डर किया। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल करना था इसलिए मैंने वेलवेट बॉटम नहीं रखा है इसमें। मार्केट में मुझे कहीं पर भी ब्रोकेट फैब्रिक इस तरह का नहीं मिल रहा था तो मैंने इस पे देखा सोर्स इट राइट पे ही, तो इसे ऑर्डर कर लिया। ये भी मुझे 300 रुपये मीटर मिला है। और बाकी लेसेस मैंने ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से, एक ब्रॉड बॉर्डर जो कि है दुपट्टा के लिए और बाकी कुछ और बॉर्डर्स है जो जैसे जैसे अरेंज करेंगे वैसे आपको दिखाएंगे। लेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहे तो उसे सर्च कर सकते हैं। मेरे यहाँ के लोकल मार्केट से ज़्यादा रिजनेबल प्राइस पे मुझे लेस ऑनलाइन लगता है इसलिए मैं मैक्सिमम लेसेस भी ऑनलाइन ही ऑर्डर करती थी। इसके बाद आती है स्टिचिंग की बारी। तो स्टिचिंग कुर्ती और दुपट्टे की स्टिचिंग मैंने खुद से की है और बॉटम क्योंकि मुझसे बहुत फिनिशिंग से नहीं होता है प्लाजो या स्ट्रेट पैंट तो मैं उसे टेलर से सिलवाना प्रीफर करती हूँ। वेलवेट पे सिलाई करना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि ये एक जगह पे स्टैक हो जाता है लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह से इसे फिनिश कर लिया है। और यहाँ मैं अपना दुपट्टे पर लेसेस अरेंज करके देख रही थी किस तरह से अच्छा लगेगा। और फिनिश होने के बाद दुपट्टे के पीछे मैंने लगाया है ये पाइपिंग या पट्टी, ब्रोकेट की पट्टी, ये मैंने काट करके कुछ रख ली थी। ये आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है और पीछे से दिखता है तो बहुत प्यारा लगता है इसलिए मैंने इसे लगाया है। एक तरफ सिलाई लगाने के बाद दूसरी तरफ से इसे मैंने हेम किया है क्योंकि मैंने कहीं पर सुना था कि पीछे से सिलाई करने वेलवेट पे सिलाई करने पर फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है इसलिए मैंने इसे हाथ से ही हेम कर दिया। और फिनिश होने के बाद फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी, आप ये फाइनल लुक देखिएगा और बताइएगा ज़रूर कि ये आउटफिट आपको कैसा लगा, ये कोशिश आपको कैसी लगी। वेलवेट विंटर में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है इधर इन 2 सालों से लेकिन क्योंकि इसकी जो आउटफिट रेडीमेड आती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पसंद करती हूँ। और मैंने खुद से इसे स्टिच किया है। ये है इस कुर्ती का फाइनल लुक, बॉटम भी मेरा स्टिच होकर के आ गया है। नेक मैंने सिंपल वी रखा है फ्रंट में, बैक में गोल गला है। बॉटम मेरा खुलता हुआ प्लाजो है। और सबसे अच्छा पार्ट जो इस ड्रेस का मुझे लगता है वो है दुपट्टा, और क्योंकि कॉम्बिनेशन इतना प्यारा है इसलिए ये बहुत ज़्यादा खिल करके आया है ये आउटफिट। इस आउटफिट को मैंने स्टाइल किया है सिंपली एक क्रीम कलर के वार्मर के साथ और साथ में एक डैंगलर ईयरिंग के साथ। तो अब वक्त है आउटफिट रिवील का, आप भी देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आउटफिट फाइनली आपको कैसा लगा
और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले भी मैंने वेलवेट आउटफिट बनाए हैं, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। ये आउटफिट बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे और बहुत ही प्रैक्टिकल है, इसलिए आप इसे इजीली वेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।